तो जहाँ तक आपको पता है अभी हम लोग जुमतंग वैली में आए हुए हैं, मजे कर रहे हैं। और ये जो बच्ची पीछे दिख रही है ये छोटी सी टोपी वाली काफी रो रही है। रात को भी इनका लग गया, कभी बोलिए पैंट भीग गया, कभी बोलिए ठंड के कारण इनको रात में भी फीवर आ गया था। जितना ऊपर आ रहे उतना ठंड नहीं लगा। और हाँ, तो जितना ऊपर जाओ उसके बाद अभी भी इनको प्रॉब्लम हो रहा है। अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको थोड़ा बताइए। सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, जीरो पॉइंट जाएंगे तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। इनके कारण हम लोग सोच कर आए थे कि जीरो पॉइंट जाएंगे, लेकिन ये जो है मिस शबनम फूलमती है, फूलमती देवी, फूलमती देवी, फूलन देवी, जो भी हो। लेकिन हम लोग जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा रील बना सके, यस है ना, ज्यादा से ज्यादा ब्लॉग में आप लोगों को दिखा सके और दिखा ही रहे हैं। तो बाकी ठंडी तो अभी हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं ताकि और ज्यादा बर्फ मिल पाए और ज्यादा खूबसूरत दिखे। वहां तक तो लोग जा ही सकते हैं। ये डरपोक को देखिए ऊपर जाने में डर रही है कि रिस्क है। अरे नहीं गिरेगा, गिरेगा तो क्या होगा। देखिए पीछे रह गई, देखिए इनको प्लेन में बिठा के ऊपर लैंड कराओ। यस हम बहुत कम लोग हैं, देखो ज्यादा लोग नहीं है। ठीक है तो आप घूमने जाओ, कार में बैठो, तब तक हम लोग ऊपर से आते हैं। ठीक है अब आए हैं तो थोड़ा इधर तो जाएंगे ही, जाना चाहिए भी। और कोई बात नहीं, चलो चलो बस पहुंचने ही वाले हैं। ये देखिए इनका सांस लेने में इनको काफी प्रॉब्लम हो रहा है। वी आर क्लोज टू दैट पॉइंट, लेट्स गो, लेट्स गो। यस गाइस, सो शाम में अभी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं चाय और भाजी, और ये किसी को खाने नहीं दे रही है, सबका मजाक बना रही है। ठीक है, और क्या प्याज जी, प्याज क्या बना हुआ आपके तरफ भी प्याज ही बोलते हैं? वाह, फर्स्ट टाइम आपके तरफ भी जो हमारे तरफ बोला जाता है वो बोला जा रहा है। देखिए इनको कोई काम नहीं बचाया है, कुछ टॉपिक नहीं है, इसके साथ चाय तो मेरा भद्दा वाला शकल जो है उसको आगे ला देती है, दे रहे हैं। मतलब तुम भी मान लिए तुम्हारा शकल भद्दा है, क्या करें। इतना ज्यादा स्ट्रेस होने के बाद अभी हम लोग थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं, बॉडी को थोड़ा रिलीफ मिला स्ट्रेस से। चलो गाइस, सो इट्स आवर डिनर टाइम, और हम लोग निकल रहे हैं अपने डिनर के लिए। आज काफ़ी लेट हो गया, 10:30 बज रहे, कितना 11 बज रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत ही थक चुके थे, सोचे आराम से जाएंगे। ए भूल बोले यहाँ किधर से, चलो अच्छा इधर से। यस, सो वी आर गोइंग टू ऐसे ही बोनी है और बोनी मजा आएगी। सुनो कल कैंसिल कीजिए, परसों कीजिए। तो अभी डिस्कशन चल रहा है कि कल कहाँ जाना है ना, क्योंकि कल भी कुछ नया लोकेशन पे जाना है। कल हम लोग वैसे लोकेशन पे भी जाएंगे जहाँ पे ऑलरेडी हम लोग विजिट कर चुके हैं लास्ट टाइम, जैसे मैं सैंगू लेक, और मिलिए हमारे रोहन जी से जो काफ़ी टाइम के बाद आए हैं। ठीक है, खुद मतलब ट्रिप पे गए हुए थे, सबको ट्रिप कराते कराते। सो वेलकम बैक रोहन जी। यस वेलकम बैक। तो एक्चुअली हमारा हो रहा है, मतलब हम लोग दोबारा विजिट किए हैं रोहन जी के होटल में, क्योंकि बहुत ही अच्छा है इनका होटल और बहुत ही अच्छे से ये ट्रीट करते हैं लोगों को। तो हम लोग इनके बिहेवियर के कारण फिर से हम लोग सेकेंड टाइम यहाँ विजिट किए हैं, और फिर से रोहन जी हमें ट्रीट करने के लिए सामने खड़े हैं, जल्दी से आ गए छोड़ के सारा कुछ, है ना रोहन जी? हाँ ऐसे हम लोग तो हमेशा आप आते रहेंगे, क्योंकि हाँ होटल लियो से तो हमारा अब जुड़ गया है एकदम रिश्ता। चलो फिर हम लोग डिनर कर लेते हैं, अभी रोहन जी से भी मुलाकात हो गई है। तो आज फिर से इन दोनों का फेवरेट बना है नो, बिकॉज वी लव रोटी चपाती, ओनली चपाती। या बंगाली लोग प्यार करते हैं राइस से, है ना, और हम लोग चपाती से। और मैं रोटी, आप क्या खाते हो, रोटी कि चावल? आप रोटी खाते हो कि चावल खाते हो? चावल खाते हो या बिरयानी खाते हो? कंफ्यूज हो गए भैया, चिकन बिरयानी मस्त है। लेट्स स्टार्ट। अरे इसमें अच्छा है।
अनमोल दादा पहले ही स्टार्ट कर दी इतना ज्यादा ठंडी है और मेरा जो और इधर दी भी है ठीक कर दिए ठीक तो है अभी कितना बड़ा प्लेट चाहिए आपको कोई नहीं स्टार्ट करते हैं भूख तो नहीं लगा हुआ है लेकिन खाना तो पड़ेगा यस जी हाँ आ गया लेग पीस शबनम का फेवरेट ये कैसा लेग पीस है छोटा चिकन का है अरे साइज के अनुसार मिला आप शबनम का साइज कितना है क्या दे छोटे लोग को छोटा साइज ही मिलेगा ना शबनम चार लेग पीस खाई है आज खा के पूरा पेट वेट एकदम फुला लिए देख सकते हो आप लोग अरे पचक गया पेट आपका ओ अच्छा सांस रोक के पचका ही हो चल चलो भैंस कहीं की चलो लेट्स गो बफेलो चल हमारे हमारे बिहार में भैंस को ऐसे ही चराते हैं मतलब भैंस को ऐसे ले जाते चल 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 खाना के लिए ना चल 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 हर 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 गजब बेइज्जती है और चारा चाहिए पूरा नादी तो खा गए अब कितना खाओगे लेट्स सेलिब्रेट लेट्स फर्स्ट फ्लोर है ना यस बट वी आर एट सेकंड फ्लोर यही फ्लोर पे था पहले हमारा रूम इतना मटक मटक के काहे चल रही हो अच्छा आज बफेलो का खाना ज्यादा हो गया इधर चलना है हद लड़की है एकदम कोई सेंस नाम का चीज अरे बाप रे यार मतलब हम एक दिन शबनम के साथ ये प्रैंक किए थे आज भी मेरे साथ कर ली हो माय गॉड यार सही में यार बहुत रियलिस्टिक था यार हम सही में डर गए यार अचानक से क्या छुपने का जगह था यार वाह ये 112 जस्ट ओपन इट ओपन द डोर इसका मुंह देखा था ए मेरे से ज्यादा तो ये कर गए है ना देख तो और क्या मुंह का लाल हो गया देखिए फेस पूरा वो ब्लॉग में है कौन करा फेस पूरा रेड हो गया हां हां ब्लॉग में दिखा है ब्लॉग में दिखा है गाइस आप लोग कमेंट करके बताना सबसे ज्यादा कौन डरा था मतलब हम तो डरेंगे ही क्योंकि हम आगे थे लेकिन पीछे से ये भी तो डरी आज हम लोग यंगचंग वैली में पूरा गर्दा उड़ा दिए ठीक है जितना भी बर्फ था एकदम वो करने में मेरा घुटना भी अच्छी लिया इनको लेके हम कूद गए थे बर्फ में वो दिखा होगा आपको रील में ये रील डालेगी तो दिखेगा उसके कारण मेरा घुटना छिल गया यस गाइस सो अगेन वी आर रेडी गुड मॉर्निंग आज है हमारा गैंगटॉक में थर्ड डे ठीक है और आज हम लोग कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे घूमने मतलब जो हम लोग सैंगो लेक वगैरह डिसाइड किए तो वो आज नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ेगा उसके लिए ऑलरेडी कल और परसों ट्रैवल कर करके हमारा हालत ख़राब है तो इसीलिए आज हम लोग साइड व्यू मतलब ऐसे ही आसपास में ही घूमेंगे है ना तो हम लोग तो लगभग रेडी हो चुके हैं बाकी वो लोग भी रेडी हो रहे हैं देखते रेडी हुए कि नहीं यस दी गेट क्यों लगा रही है मेरे से क्या दुश्मनी है आपको मतलब ऐसे कौन करता आए हुआ मेहमान को देखते हुए गेट लगा देती है ये क्या तरीका है दी हमको देखी फटाक से आके गेट बंद करने लग गई और ये देखिए जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि जब भी ये मिलेगी आपको खाते हुए ही मिलेगी सुबह से उठ के स्टार्ट होगी क्या बोला अंडा नहीं आया इसमें अंडा होगा यस चलो यार खाते हैं छीलिए तो अंडे को अंडे को छीलिए ना ओके मैंने कभी अंडा छीला नहीं है मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ तो ये लीजिए इसको छीलिए फटाक से किस पे गिरेगा इसी पे ना छील के गिराऊंगी जल्दी जल्दी फटाक से छीलिए खा के निकलना है ऑलरेडी हम लोग लेट हैं कितना टाइम हो रहा है 9:30 ना हम लोग को आज सुबह में निकलना था और फिर से आज हम लोग लेट हो गए क्योंकि रात में हम लोग 3:30 बजे सोए थे जिसके कारण सुबह में नींद ही नहीं खुला रात में हम लोग ब्लॉग एडिट कर रहे थे ब्लॉग एडिट करके अपलोडिंग वगैरह करने के बाद सोए हैं और सुबह में 7 बजे उठे हैं फिर भी रेडी होने का मन नहीं कर रहा था इतना ट्रैवल करके पूरा बॉडी थक गया था तो इसीलिए हम लोग थोड़ा लेट कर दिए आज रेडी होने में क्यों दी हम लोग कटोरी खा रात में जब पूछा गया तो लोग क्या बोले कि नहीं चाय बिस्किट खा ली
तो ये टोस्टेड ब्रेड क्यों खा रही है? ये तो हम लोग डिमांड नहीं किया। क्या अंडा? ये सब हम लोग का है। अंडा भी खा सकती हैं? सब कुछ खा सकते हैं। ऑलरेडी बेईमानी कर चुके हैं आप लोग। तो अंडे में भी बेईमानी कर सकती हैं। आप लोग कितना खा पाओगे? पता है। सुनिए ना, ये अंडा छिलने का काम इनको मिला है, दे दीजिए इनको। आप मत छिलिए, एक अंडा भी नहीं छिलेगी। चलिए छिलिए, छिलके दिखाओ, छिलके दिखाइए, छिलिए ना। चाय ठंडा हो गया। नाखून मत लगा देना यार। पक्का देखना, आधे से उखाड़ देगी। नाखून मत लगाना आराम से ना। ऊपर का सतह से किया जाता है ना कि नाखून। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया अंडा छिलने का, वो भी सही से धोना पड़ेगा। हो गया, मेरा भी हो गया, लेकिन ये जिंदगी में कुछ काम कर पाएगी? आप लोग कमेंट करके बताना। एक छोटा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडा छिलने का मिला, वो भी नहीं हुआ। दिखाइए, ये देखिए, जहाँ तहाँ छेद कर दिया गया है और जहाँ तहाँ छोड़ दिया गया है उसका पापड़, देखो ये वाले उसका छिलका, उसका पापड़, मतलब छिलका। बोल रहा है जल्दी जाने के लिए, गाड़ी बहुत देर से खड़ा है। ये लोग लेट कर रही है। ए, मैं अंडा नहीं छिल सकती यार। क्यों नहीं छिल सकती है? हाथ धो के आगे खाना पड़ेगा। आराम से चाय गिरेगा। ए भाई, एक कंफ्यूजन हो गया। गाइस, हम लोग कल बर्फ में बहुत ज्यादा मस्ती किए, ठीक है, जिसके कारण मेरा थोड़ा घुटना भी छिल गया। बाकी आप लोग फोटो वगैरह तो देख ही लिए होंगे, फोटो रील्स वगैरह, बर्फ में कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। अभी सारे कमेंट्स तो पढ़ रहे हैं लेकिन किसी को रिप्लाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम लोग थोड़ा इंगेज है इधर घूमने में, है ना। लेकिन रिप्लाई करेंगे, सबको रिप्लाई करेंगे, बाकी कमेंट सारे पढ़ते हैं आके रात में, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करना कभी भूलना मत, ओके। स्टूडियो सबनम अभी नया नया पोस्ट डाल लिए, जाके लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए, है ना। ओके भैया, बाय, आते हैं जल्दी। होटल लियो इंटरनेशनल। ये देखो बिल्ली, कितना क्यूट है। टैक्सी, अरे आते समय इन्हीं के साथ तो आए थे। गुड मॉर्निंग भैया, वेलकम बैक। गाड़ी में जाइए। आज इतना प्यार से हमको क्यों बोल रही है? क्या भैया, मजा आया? हाँ, बहुत मजा आया भैया, बहुत मजा आया। बर्फ था उधर, जितना हम लोग एक्सपेक्ट किए थे उससे ज्यादा ही था बर्फ। 0 पॉइंट नहीं गए क्योंकि 0 पॉइंट बंद था। ये पालतू बिल्ली है, ये देखो ना, देखो देखो, घुस जा, घुस जा अंदर, अंदर अंदर घुस जा, अंदर घुस जा। नहीं घुसेगी। म्याओ 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 म्याओ। इधर आ जाओ, इधर इधर। हाँ, यहाँ 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 यहाँ। देखो देखो कैसे कर रही है, ऑलरेडी एक ऑलरेडी एक बिल्ली बैठी हुई, तो हम सोचे एक बिल्ली और बैठा दें। ये आज हम आगे बैठेंगे यार, प्लीज बैठे तुमको, सही बता रहे हैं, पीछे बैठेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बहुत स्मेल कर रहा गाड़ी थी। मेरे कारण कहाँ घुसी है, पागल पागल क्या? अरे वो तो कार के अंदर से, उसके भैया के सीट के नीचे से। सही में, चलो तुम्हारे तुम्हारे सीट पे सुसु कर दी, अब तुम बैठोगे, अब हम नहीं बैठेंगे आगे। आज ये बैठेगा। नाइस, आज ये बैठेगा भैया के सीट पे। क्या आप भी ये बोला? आज सबनम बैठेगी आगे, जाइए बैठिए आगे। एक बिल्ली दूसरे बिल्ली के टॉयलेट से इतना घिरना क्यों कर रही है? Why? Why this much घिरना? Go and sit. चले। So, हम लोग आ गए अपने फर्स्ट व्यू पॉइंट पे। आज तीसरा दिन का पहला व्यू पॉइंट, देखते हैं कैसा होगा। यहाँ पे तो पहले कभी नहीं आए, यहाँ से तो दिख रहा है ऐसा स्लोप है। ये सीढ़ी की तरफ से चलते हैं यार, ये सीढ़ी पे से चलो यार। अरे वैसे ज्यादा वो प्रेशर पड़ रहा है।
वैसे ज्यादा पैर दर्द कर रहा है, तुम चलो वैसे। छोटन छोटन में हम लोग आए, छोटन भी पॉइंट। इस पे पैर दर्द नहीं करेगा, आजा। Yes, now let's go. Guys, यहाँ पे मतलब ऊंचा है। ऊंचा है तो चढ़ के जाना पड़ेगा। नहीं, लेकिन छोटा छोटा सीढ़ी है तो उतना दर्द नहीं कर रहा पैर। दौड़ जाओ यार। इतना धीरे धीरे चलने से अच्छा है। क्योंकि आपका वजन ज्यादा है ना। फाइनली हम लोग पहुंच गए। ये है हमारा व्यू पॉइंट। देखो ये कैसे कर रहे हैं। और सबनम यहाँ से घुमाना भी नहीं आ रहा। You have power only to drink human blood and nothing. क्या बोला? Sabnam have power only to drink human blood and nothing else. इसलिए ये बेचारा दुबला भी हो गया, हमको भी लग रहा है पूरा खून पी गई है। समझ सकते हो आप। है ना दीदी, दीदी से बोलो, दीदी से बोलो। दीदी कौन से एंगल से पतली लग रही है? क्या लगता है? नहीं नहीं। दी बहन का सपोर्ट ले रही है। यहाँ पे शायद धागा बांधा जाता है। वाह, नाइस। इतना सारा दीप जल रहा है लाइव। ये हमेशा जलते रहता है क्या? जल रहा है। गजब। गाइस आप लोग ये देख सकते हो, मतलब ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये लाइव जल रहा है, घी का दीप है ना। अच्छा इधर जल के बूथ भी गया। ज्यादा खाली है आज लगता है, पूरा ढकार मार दीजिए। तो एक्स्ट्रा खा लेती है यार, डेली एक्स्ट्रा खा लेती है। अभी हम लोग इस ढुलाव से उतरेंगे एकदम एक साथ हाथ पकड़ के, है ना। ओके दी मेरा हाथ कैसे? अच्छा कोई बात नहीं, दी का अच्छा आप उधर चलो दौड़े। 1 2 3 गो यार, आराम से। आराम से फोन गिरेगा, फोन ध्यान से पकड़ना। साइड हो, साइड हो, बढ़िया। वो मेरे पैर नाखून में दर्द है यार। चलो एक लास्ट टाइम फिर से। पता है सबनम का गाल कैसे ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे डप डप डप। चलो लेट्स गो विद रसगुल्ला। ओके सो आई एम गोइंग। कब कंट्रोल हो जाए? देखो भाई हम दोनों तो हवा हवाई है तो हम लोग आ गए, अब तुम दोनों सोचो। देखो ना आराम से आ रही फिर भी लुढ़क रही है। और गाइस यहां पे नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम इस व्यू पे कुछ एक भी रील नहीं बना पाए, नहीं बना पाए। लेकिन कोई बात नहीं, दूसरे व्यू पॉइंट पे हम लोग बनाएंगे। चलो चलो चलते हैं यहां से, लेट्स गो। पार्किंग पे सो अभी हम लोग यहां से टिकट लिए हैं। अंदर म्यूजियम है, अभी म्यूजियम के अंदर जाके देखते क्या है। यहाँ तो शायद अच्छा लास्ट टाइम नहीं आया इधर तो हर अच्छा लास्ट टाइम तो इधर का पैकेज नहीं था ना, सब था। टाइम ये है हमारा टिकट। यस ये है म्यूजियम का व्यू। कौन से भगवान है? बट जो भी हैं भगवान है प्रणाम कर लेते हैं, आप लोग भी कर लो। कौन सा भगवान है? गुरु पद्मा संभावा। गुरु पद्मा संभावा, कुछ इस प्रकार का व्यू है अंदर। मैं तो एक्चुअली यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे जो भी है बुद्धिज्म का सारा कुछ है तो समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे कौन से भगवान है। तो गाइस अंदर म्यूजियम का कुछ व्यू नहीं दिखा पाए क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं था। कि जितना भी बुद्धिज्म का जितना सब कुछ होता है, मतलब बहुत सारे बुद्धिज्म में भी भगवान होते हैं, वो सारे भगवान का स्टैचू था अंदर।